नमस्कार, मेरा नाम स्वागत है, मैं बीएचयू का छात्र हूँ। आज संकट मोचन संगीत समारोह के इस द्वितीय दिशा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हैं समारोह में पधारी हुई दीप्ति मुखर्जी जी, जिन्हें अभी 2015 में पद्म विभूषण से पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इन्होंने देश विदेश में भारतीय संगीत को काफ़ी आगे तक पहुँचाया। तो मैम, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे ये जानने की कोशिश की, जहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को हम अपने सामने रूबरू होते हुए देखते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से कैसे जुड़े, एक ब्रिज का काम करने के लिए हम यहाँ पर लीडिंग आर्टिस्ट से रूबरू होते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनसे संतुष्ट की अपेक्षा करते हैं ताकि वो जाने और किस तरीके से कला के क्षेत्र में अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, उनकी बातों से वो सीखें, प्रेरणा स्रोत बने। एन इनिशिएटिव टू यूज टू द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक संकट मोचन 2018 एट द रेट ऑफ SM म्यूजिक 2018। आइए चलते हैं दीप्ति मुखर्जी के पास, जानते हैं इनकी ओपिनियन को कला के माध्यम से, ये क्या कहना चाहती हैं, इनका क्या ओपिनियन है फॉर एन आर्ट। सीखने के लिए आना चाहिए, कोई